पटना में कल सातवें चरण की शिक्षक बहाली को लेकर एक शिक्षा विभाग की जो अहम बैठक थी वह रखी गई थी, जिसमें अपर मुख्य सचिव की अध्यक्षता में ये बैठक होनी थी। सचिव और सभी निदेशक बैठक में मौजूद थे। सभी जिलों के DEO से मांगी गई रिक्तियों की समीक्षा होनी थी और शेड्यूल जारी करने की डेट को लेकर तिथि को लेकर भी चर्चा होनी थी। तो इस समीक्षा बैठक का क्या परिणाम आया है, क्या नतीजा आया है, इस वीडियो में हम जानने की कोशिश करेंगे। साथ ही सिर्फ ऑनलाइन फॉर्म भरे जाएंगे सातवें चरण की बहाली के लिए और जो मेधा सूची व चयन प्रक्रिया का पूरा कार्यक्रम है, जो पूरा प्रोसेस है, वह नियोजन इकाइयों द्वारा किया जाएगा। इसके ऊपर भी हम विशेष रूप से इस वीडियो में डिस्कशन करने वाले हैं, क्योंकि सिर्फ अपर मुख्य सचिव के कह देने से या फिर केवल ये बात होने से कि ऑनलाइन सेंट्रलाइज बहाली हो रही है सातवें चरण की, बहाली पूरी नहीं हो जाएगी। ऑनलाइन मोड में आवेदन हो, साथ में सेंट्रलाइज यानी केंद्रीयकृत तरीके से आवेदन लिए जाए, तभी जो है ज़्यादा से ज़्यादा अभ्यर्थियों की बहाली सुनिश्चित हो सकती है। तो चलिए सबसे पहले आपको दिखाते हैं आज के अखबारों ने समीक्षा बैठक जो हुई है कल उसको लेकर क्या कुछ प्रकाशित किया है, उसके बाद आवेदन और चयन की प्रक्रिया जो ऑनलाइन सेंट्रलाइज की बात है उसकी तरफ चलेंगे। कल की बैठक जो हुई थी उच्च स्तरीय बैठक, उसमें जो समीक्षा हुई है उसके बाद देखिए अखबारों ने आज प्रकाशित कर दिया है कि सातवें चरण के शिक्षक नियुक्ति की तैयारी। तो ये तैयारी और ये सातवें चरण की बातें तो पिछले साल से चल रही है कि तैयारियां पूरी हो गई हैं। हर बार जो है नई नई रिक्तियाँ, नई नया जो आंकड़ा है, रिक्तियों की गणना ठीक से नहीं हुई है, लेकिन फिर भी अलग अलग जो न्यूज़पेपर्स हैं, मीडिया है, अपने अपनी तरफ से जो भी जितने भी खाली पद हैं उनको लेकर एक टोटैलिटी, एक जो टोटल एक संख्या है बार बार बताने की कोशिश करते हैं। तो यहाँ पर भी यही लिखा है कि राज्य में सातवें चरण के तहत प्राथमिक से लेकर उच्च माध्यमिक शिक्षकों की बहाली की तैयारियों की उच्च स्तरीय समीक्षा की गई। तो देखिए केवल प्राथमिक की ही बात नहीं है, यहाँ पर उच्च माध्यमिक यानी 1 to 12 सभी की बहाली की बात हुई है। सातवें चरण में प्राथमिक से लेकर उच्च माध्यमिक विद्यालयों तक में तकरीबन 1,86,000 शिक्षकों की नियुक्ति होनी है। तो 1 to 12 की अगर टोटल अगर आप संख्या बात कर लें तो 1,86,000 यानी करीब 2.25 लाख शिक्षकों की नियुक्ति 7 फेज के तहत हो सकती है। माना जा रहा है कि सातवें चरण की नियुक्ति के लिए अगस्त से सितंबर तक रिक्तियां आ जाएंगी। तो देखिए यहाँ पर ये जो बात लिखी गई है कि अगस्त से सितंबर तक केवल रिक्तियां आ जाएंगी, और जबकि हम लोग सोच रहे हैं कि अगस्त के फर्स्ट वीक में ही नोटिफिकेशन आने वाला है। और कुछ ही दिनों पहले ये भी प्रकाशित हुआ है कि कई जिलों से रिक्तियां जो है सही तरीके से प्रॉपर फॉर्मेट में, प्रपत्र में भेजी भी नहीं जा रही हैं। समीक्षा बैठक में बहाली की पारदर्शिता को लेकर गंभीरता से चर्चा हुई है। कल बैठक में विभिन्न जिलों से नियोजन इकाईवार मिली रिक्ति पर भी चर्चा हुई है। कई जिलों से रिक्ति नहीं आने पर नाराजगी जताई गई। जिन जिलों से रिक्ति अभी तक नहीं आ सकी है वहां के शिक्षा अधिकारियों को फिर से अल्टीमेटम दिया जाएगा। तो देखिए सारी बातें फ्यूचर में चल रही हैं कि दिया जाएगा अल्टीमेटम, कल ही क्यों नहीं दिया गया, कल ही कोई पत्र बड़ा जारी क्यों नहीं किया गया कि रिक्तियां अभी तक क्यों नहीं भेजी गई इन जिलों के द्वारा। तो इस तरह से सख्ती अगर सरकार बरतेगी, शिक्षा विभाग अपनाएगा, तभी ये जिले जो हैं एक्टिव होंगे। छठे चरण में हुई बहाली के तरीके में रह गई कमी पर भी चर्चा हुई है। तो बहाली में कमी इसलिए रह गई क्योंकि ऑनलाइन मोड में आवेदन नहीं थे, केंद्रीय के तरीके से बहाली नहीं थी, इसलिए इतने कम अभ्यर्थियों की बहाली हो पाई। तो इन सभी मुद्दों पर चर्चा हुई होगी। फिर सातवें चरण की बहाली केंद्रीकृत तरीके से होगी। इसका लक्ष्य जो है शिक्षा विभाग का वह यही है कि बहाली प्रक्रिया में जो भी पहले कमी रह गई है उसे दूर कर लिया जाए, ताकि कहीं से भी पारदर्शिता पर सवाल ना उठे। तो देखिए ऑनलाइन और सेंट्रलाइज बहाली का ये फ़ायदा भी है कि ट्रांसपेरेंसी यानी पारदर्शिता बनी रहेगी, और बहाली प्रक्रिया से मुखिया और संबंधित जनप्रतिनिधियों की भूमिका पर भी चर्चा हुई है। लक्ष्य है कि शिक्षक चयन कर नियोजन इकाइयों को दिया जाए। तो यहाँ पर देखिए शिक्षक जो चयन है, जो फाइनल सिलेक्शन जो होता है, आपकी जो काउंसलिंग होती है, वो कार्य नियोजन इकाइयों को दिया जाएगा। क्योंकि जो स्वयं शिक्षा मंत्री हैं उन्होंने भी यही कहा था पहले कि मेधा सूची तो नियोजन इकाइयाँ बनाएंगी। जब आपको याद होगा SGET का रिजल्ट आया था तो उस मुद्दे पर उन्होंने बात करते हुए बताया कि शिक्षा की जो नियोजन इकाइयाँ हैं उनकी स्वायत्तता को बरकरार रखा जाएगा, और जो नियोजन इकाइयाँ हैं वही आपकी मेधा सूची बनाकर आपका जो चयन है वह करेंगी। और यही चीज़ें समीक्षा बैठक के बाद हुई इस रिपोर्ट में भी प्रकाशित किया गया है। लिखा है कि बहाली नियोजन इकाई के माध्यम से होगी लेकिन चयन शिक्षा विभाग करेगा।
तो देखिए नियोजन इकाइयां उनके माध्यम से ही बहाली जैसे सिक्स फेज में होती आई है आगे भी ऐसे ही होगी। और इस चीज़ को, इस कमी को पूरा करने के लिए जब सरकार ने कल बैठक की थी तो इस चीज़ को भी मेंशन करना चाहिए था कि नियोजन इकाइयां ही अगर मेधा सूची बनाएंगी तो फिर केंद्रीकृत तरीके से बहाली किस प्रकार हो सकती है। यानी कि केंद्रीकृत तरीके से तो बहाली तभी होती ना जब एक ही मेरिट लिस्ट जो है पूरे बिहार में बनाई जाती, ऑनलाइन मोड में आवेदन लेकर जो भी अप्लाई आते। चलिए देखते हैं आगे क्या कुछ लिखा है। हालांकि अंतिम रूप से सरकार से बहाली प्रक्रिया पर सहमति अभी ली जानी है। तो यानी अंतिम रूप से अभी सरकार ने सहमति नहीं दी है, ऑनलाइन मोड में बहाली होगी, अपर मुख्य सचिव दीपक कुमार सिंह ने तो बोला है, लेकिन फाइनल जो कंसेंट है वह गवर्नमेंट का ही होगा, सहमति सरकार को ही देनी है। प्रारंभिक स्कूलों में 80,000 से 1,00,000 तक की रिक्ति आ सकती है, क्योंकि आप लोग जान ही रहे हैं कि सिक्स फेज में आधे से ज़्यादा पद खाली रह गए और आगे भी बहुत सारे जो रिक्तियां हैं वो सेवन्थ फेज में आएंगी। तो 1,00,000 तक रिक्तियां केवल 1-8 में आ सकती हैं। बैठक में आपको बता दें कि अपर मुख्य सचिव दीपक कुमार सिंह थे, सचिव असंगबा चुभा आओ भी थे, माध्यमिक शिक्षा निदेशक भी वहाँ मौजूद थे मनोज कुमार जो हैं, और प्राथमिक शिक्षा निदेशक रवि प्रकाश सहित संबंधित अधिकारी भी वहाँ पर कल मौजूद थे। तो कल की बैठक ही आप लोगों ने सारी चीज़ें सुन ली, सारी बातें आप लोगों ने जान ली। अब बात कर लेते हैं एक बार झट से ऑनलाइन और सेंट्रलाइज बहाली के बारे में। अपर मुख्य सचिव दीपक कुमार सिंह ने थोड़े टाइम पहले बोला है कि ऑनलाइन मोड में आवेदन लिए जाएंगे। चलिए बहुत अच्छा है कि नियोजन इकाइयों में जाकर आप लोगों को धक्के नहीं खाने होंगे अप्लाई करने के लिए, लेकिन सिर्फ फॉर्म भरने में ऑनलाइन सुविधा दी है इससे काम नहीं चलने वाला है। आपको जिस ब्लॉक में अप्लाई करना है, जहां आपको नियोजन इकाई का सिलेक्शन करना है, उस तरीके से ठीक है आपने चुनाव कर लिया ऑनलाइन मोड में, और फिर काउंसलिंग नियोजन इकाइयां अगर कराएंगी तो ये चीज़ यहां पर समझ में नहीं आ रही है। यानी सिस्टम बिल्कुल पहले की तरह ही रहेगा और केवल अप्लाई अगर ऑनलाइन होगा तो और ज़्यादा देखिए इसमें बहालियाँ जो हैं फिर फंसने वाली है। बहाली प्रक्रिया कोई फ़ायदा नहीं होगा सिर्फ अगर ऑनलाइन मोड में अप्लाई ही अगर ये ले रहे हैं, आवेदन केवल ऑनलाइन मोड में हो रहा है, क्योंकि अगर मेरिट लिस्ट यानी कि जो मेधा सूची है वह अगर नियोजन इकाइयां ही बनाएंगी, जबकि अगर सेंट्रलाइज बहाली की ये लोग बात करते हैं तो मेधा सूची का जो बनाने का कार्य है वह सॉफ्टवेयर के द्वारा ही होना चाहिए, पूरे बिहार में जो है एक मेरिट लिस्ट बननी चाहिए। तो देखिए अपर मुख्य सचिव ने तो ये बोला ही है कि केवल नियोजन इकाइयों से काउंसलिंग करानी है, तो काउंसलिंग करानी है तो ये भी क्लियर कर देना चाहिए कि मेधा सूची बनाने का जो कार्य है और जो चयन का कार्य है वह फाइनली किसको दिया जाएगा, क्योंकि सिर्फ डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए अगर नियोजन इकाइयों में जाना हो तो ठीक है चलिए, लेकिन अगर मेधा सूची और चयन का कार्य फिर से नियोजन इकाइयों को दे दिया जाता है तो फिर कोई फ़ायदा नहीं है। आवेदन केवल ऑनलाइन मोड में लिया जाएगा, बाकी सब ऑफलाइन मोड में। तो फिर ये तो वही वाली बात हो गई जो सिक्स फेज में हुई है कि बहुत कम अभ्यर्थियों की बहाली होगी। अगर नियोजन इकाइयाँ ही काउंसलिंग कराएंगी तो आप लोग जानते हैं काउंसलिंग में क्या हाल होता है, एक सीट पर आप लोग कितने अभ्यर्थी वहाँ पर पहुँचते हैं और कितनों की बहालियाँ होती हैं ये किसी से छुपा हुआ है नहीं है, तो फिर आधे से ज़्यादा सीटें खाली ही रह जाएंगी। तो इसलिए फ़ायदा यही है तभी होगा कि जब केंद्रीकृत तरीके से बहाली ली जाए, एक व्यक्ति एक ही आवेदन करे और पूरे बिहार में एक ही मेरिट लिस्ट बननी चाहिए जो भी पोर्टल जो भी सॉफ्टवेयर इनके द्वारा बनाया जा रहा है उसके तहत। नियोजन इकाई पर काउंसलिंग का मतलब जो है बिल्कुल भी स्पष्ट नहीं हो पा रहा है, तो इसी से प्रॉब्लम हो रही है। डायरेक्ट जो है मेरिट बनाकर काउंसलिंग करवाई जानी चाहिए, और ये काउंसलिंग अगर मेधा नियोजन इकाइयाँ कर रही हैं तो आप लोग जानते हैं कि फिर 20 सीटें होंगी और कम से कम 20,000 अभ्यर्थी वहाँ पर पहुँचेंगे काउंसलिंग कराने के लिए, और किसी की भी बहाली सुनिश्चित नहीं हो पाएगी। तो कहने का मतलब यही है कि सिर्फ ऑनलाइन मोड में आवेदन करने से ही बहाली जो है सातवें चरण की कंप्लीट नहीं मानी जाएगी। जब तक एक व्यक्ति एक आवेदन नहीं करेगा, मेरिट लिस्ट का निर्माण जो है एक पूरे बिहार में नहीं किया जाएगा, और काउंसलिंग के लिए भी स्पष्ट निर्देश जो है नियोजन इकाइयों को दिए जाएंगे, तब तक आप लोग ये ना समझिए कि आपकी बहाली जो है 100% कन्फर्म है सेवन्थ फेज में। तो इसी आशा के साथ कि शिक्षा विभाग की तरफ से कोई